विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको साधारण ब्याज निकालना नहीं आता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से साधारण ब्याज निकालने का तरीका बताऊंगा, वो भी बिल्कुल फॉर्मूले की मदद से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन और इसको ही मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। इसी तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आप इसी विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो ध्यान से समझ लीजिए, आप इसको नोट करके इसको अपने तरीके से भी सोल्व करके देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, 12,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले मूलधन, ये देखिए हमने मूलधन कितना ले रखा है, 12,000। अब मूलधन क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ मूलधन होता क्या है। जैसे कि दोस्तों, आप किसी बैंक से कोई पैसा उधार लेते हैं तो वो मूलधन कहलाता है, आप किसी व्यक्ति से भी ले सकते हैं, वो सभी मूलधन ही कहलाता है। इसके बाद हमारी दर कितनी है, हमारी 12% है, तो यहाँ पर हमने दर भी अपनी लिख दी है। इसके बाद समय हमें कितना दिया गया है इस ब्याज को चुकाने के लिए, हमें 5 महीने का समय दिया गया है। मतलब 3 चीजें हमारे पास है और इन 3 चीजों की मदद से ही हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यानी कि एक सूत्र का होना भी जरूरी है। तो सूत्र मैं आपको बताता हूँ, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करके रख लीजिए। जब भी आपसे साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी सूत्र यानी कि इसी फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए मैं आपको इसका जो फॉर्मूला है वो लिख के दिखा देता हूँ। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो है साधारण ब्याज का जो हमारा फॉर्मूला है वो है मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। इसके बाद बट्टे में हमारा आएगा 100 यानी कि 100। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये देखिए मूलधन हमें कितना दिया है, 12,000 रुपए। तो यहाँ पर हम सिंपली 12,000 लिख देंगे। ये देखिए 12,000 हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूले के हिसाब से ही हमें यहाँ पर गुणा लगाना होगा, तो हमने यहाँ पर गुणा लिखा है। दर हमें कितनी दी है, दर हमें दी है 12%, तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे। अब हमें समय कितना दिया गया है, हमें 5 महीने का समय दिया गया है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो अब हम बट्टे में लिखेंगे 100, क्योंकि यहाँ पर हमारे बट्टे में 100 है सूत्र के हिसाब से यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो क्या करनी है, जैसे कि हमें महीने में मतलब हमारा जो समय है वो हमें 5 माह का दिया गया है। जब भी माह वाला क्वेश्चन आता है, मतलब महीने का क्वेश्चन आता है, तो इसके गुणा में आपको लिखना है 12। अब 12 मैंने क्यों लिखा है, इसको एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। दोस्तों, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो जब भी महीने का क्वेश्चन आए ब्याज का, तो आप इसमें बट्टे में 12 हमेशा लिखेंगे, क्योंकि 12 लिखने के बाद ही इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि एक साल का, जैसे कि आप एक साल का, दो साल का निकालते हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली जैसे कि एक साल का निकालते हैं एक लिखते हैं, दो का निकालते हैं तो दो लिखते हैं, लेकिन अगर जब भी आपको महीने का ब्याज निकालना हो तो आपको 5/12 ही लिखना होगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए, हमारा जो 100 है यानी कि 100 है, इसके पीछे 2 जीरो है, तो हम इस 2 जीरो को यहाँ पर 12,000 के 2 जीरो से कट करेंगे। कितना बचेगा यहाँ पर, 120 गुणा 12 गुणा 5। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ इसको और सोल्व करने का। जैसे कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 है, तो हमारा 12 से 12 कटेगा, ये देखिए 12 से 12 कटा, अब हमारा सिंपल 120 गुणा 5 बचा है। अब हम जैसे कि 120 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 600। ये देखिए, तो दोस्तों हमारा जो 5 महीने का साधारण ब्याज निकल के आया है वो 600 रुपए निकल के आया है। तो यही इसका आंसर है और बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो इसी प्रकार से आप इस तरह से के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे साधारण ब्याज के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, अगर आप इसको और तरीके से काटना जानते हैं तो आप और तरीके से भी इसको कट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता दिया है। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो रोजाना प्राप्त करने के लिए विशाल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।